एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम पूजा और आज मैं शेयर करने वाली हूँ 14 अमेजिंग टिप्स टू लुक टॉल एंड स्लिम इन साड़ीज। तो जब भी आप साड़ी पहनते हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा मोटे लगने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोटे लगने लगते हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर वन, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी साड़ी का फैब्रिक कैसा होना चाहिए। तो आपको वो फैब्रिक चूज़ करना है जो आपकी बॉडी से बिल्कुल चिपक जाए, यानी बॉडी हगिंग फैब्रिक होना चाहिए, जिससे आप जब भी साड़ी पहने तो बहुत ज़्यादा फूली फूली ना लगे। जैसे कॉटन की साड़ियाँ होती हैं या फिर आपकी ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा फूली फूली होती हैं और आपको उसमें और ज़्यादा मोटा दिखाती हैं और छोटा भी दिखाती हैं। तो आप ऐसे फैब्रिक चूज़ करें जैसे जॉर्जेट है, आपका सिल्क है, सॉफ्ट सिल्क है और आपका शिफॉन है। ये सारे फैब्रिक जो होते हैं ना, बॉडी हगिंग होते हैं, यानी बॉडी में एकदम चिपक के आते हैं और आपके अच्छे से कर्व्स को इन्हांस करते हैं, आपकी बॉडी टाइप को इन्हांस करते हैं और आप उसमें बहुत ज़्यादा स्लिम लगते हैं और उन साड़ियों में आप बहुत ज़्यादा टॉल लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टिप है कि आपको एक ही शेड की साड़ियाँ पहनना है, यानी आपको डबल शेड की साड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहनना है। डबल शेड की साड़ियों में क्या होता है ना, आपकी बॉडी का पार्टीशन हाफ ऑफ में डिवाइड हो जाता है, जिससे आप उसमें बहुत ज़्यादा छोटे लगने लगते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, आप सेम कलर का पूरा साड़ी का फैब्रिक चूज़ करें ताकि आप बिल्कुल उसमें एक डायमेंशनल एक इल्यूजन लगता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे लगने लगते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्लिम और टॉल लगते हैं। टिप नंबर थर्ड है कि आपको चूज़ करना है सेम कलर का ब्लाउज़। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। इससे अगर आप अलग कलर का ब्लाउज़ चूज़ करते हैं ना, तो आप उसमें थोड़ा सा छोटे लगने लगते हैं, आपका बॉडी पार्ट डिवाइड हो जाता है। अगर आप सेम कलर का ब्लाउज़ रखते हैं तो आप उसमें स्लिम दिखेंगे और टॉल भी दिखेंगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगे साड़ी में। टिप नंबर फोर्थ है कि आपको चूज़ करना है पतली बॉर्डर की साड़ी। बहुत ज़्यादा वाइड बॉर्डर होता है ना, तो आप उसमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी छोटी है ना, तो उसमें और ज़्यादा छोटी लगती है और ज़्यादा आप छोटे लगने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अट्रैक्टिव लगना है साड़ी में तो आप हमेशा पतले बॉर्डर की साड़ियाँ लें और चौड़े बॉर्डर की बिल्कुल भी ना लें। टिप नंबर फाइव है कि आपको अवॉइड करना है बड़े बड़े प्रिंट्स की साड़ियाँ। ये थोड़ा आउटडेटेड भी लगती हैं और अच्छी भी नहीं लगती हैं। आपको उसमें बहुत ज़्यादा हैवी लुक मिलता है, जिससे आप थोड़ा मोटे लगने लगते हैं। तो आपको छोटे छोटे प्रिंट्स की साड़ियाँ लेनी है, जिससे आप उसमें खिल के आपका बॉडी टाइप आए और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें उसमें। आप अगर आप छोटे प्रिंट्स की साड़ियाँ लेते हैं ना, तो आप उसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव और स्लिम एंड टॉल दिखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। सो टिप नंबर सिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा लंबा पल्लू रखना है, आपको छोटा पल्लू नहीं रखना है, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा आपको शॉर्ट लुक देगा। अगर आप लंबा पल्लू रखेंगे और आपकी हाइट छोटी है ना, तो आपको डेफिनेटली ऐसा इल्यूजन मिलेगा कि आप उसमें लंबे दिख रहे हैं। तो हमेशा अपना पल्लू लंबा रखें और इससे बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। अगर आपकी हाइट ज़रा से भी छोटी है ना, तो आपको हमेशा लंबे पल्लू की साड़ियाँ लेनी है, जिससे आप थोड़ा सा अच्छे से उसमें लंबे दिखेंगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगे। सो टिप नंबर सेवन है, अगर आपकी हाइट छोटी है, आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो अगर आपको साड़ी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना है ना, तो आपको हमेशा ओपन पल्लू रखना है। ओपन पल्लू रखेंगे ना, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा मोटे भी हैं ना, तो आपका पेट छुप जाएगा और आपका बॉडी टाइप बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा स्लिम हैं और बहुत अच्छा स्लिम और टॉल लुक आता है। तो आप हमेशा ओपन पल्लू रखें, ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी लगता है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी दिखाता है। टिप नंबर एट है कि आप कभी ऊंची साड़ी ना पहने। यस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पार्टीज़ में भी, वो बहुत ज़्यादा ऊंची साड़ियाँ पहन लेते हैं, जिससे उनकी हील्स वगैरह भी दिखने लगती हैं, जो भी चप्पल या फ्लैट्स जो भी उन्होंने पहना है ना, वो दिखने लगता है और बिल्कुल गंदा लुक आता है। और अगर आपकी हाइट उसमें छोटी है ना, तो और भी ज़्यादा छोटी दिखती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा थोड़ा सा ग्राउंड से टच हो ना, वैसे साड़ी पहने, तो उसमें आपका लुक बहुत ज़्यादा स्लिम आएगा और बहुत ज़्यादा टॉल भी आएगा। टिप नंबर नाइन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कभी भी बन नेक का ब्लाउज़ ना सिलवाएं, हमेशा डीप नेक का सिलवाएं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बट हाँ थोड़ा सा डीप होना चाहिए, जिससे आपका ना जो आपके नेक एरिया होता है ना, वो थोड़ा हाईलाइट होता है, जिससे आपका थोड़ा सा लंबा लुक आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बहुत ज़्यादा अगर आप थोड़ी सी आपकी हाइट छोटी है ना, तो आप बिल्कुल भी जो है बंद गले का ब्लाउज़ बिल्कुल भी ना सिलवाएं, उससे आपका लुक थोड़ा सा छुप जाएगा और आप उसमें और ज़्यादा छोटे लग सकते हैं। तो अगर आपको साड़ी में स्लिम और टॉल दिखना है ना, तो आप हमेशा थोड़ा सा डीप नेक का ब्लाउज ही बनवाएं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। टिप नंबर टेंथ है कि आपको ब्लाउज़ सिलवाना है, या तो फुल आस्तीन का ब्लाउज़ सिलवाइए या तो फिर यहाँ पे एल्बो तक।
अगर आप यहाँ तक रखेंगे ना, तो आप अगर थोड़ा सा हेल्दी हैं तो आपके हाथ दिखेंगे और वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी हाइट भी छोटी है, आप थोड़ा सा हेल्दी दिखते हैं ना, तो आप डेफिनेटली ऑलवेज़ गो फॉर लॉन्ग स्लीव्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके हाथों को, थोड़ा सा पतला लुक देता है और बहुत स्मार्ट दिखाता है, आप पार्टी में भी बहुत ज़्यादा हट के दिखेंगे और बहुत अच्छा लुक आएगा। थोड़ा सा स्लिम और टॉल लुक पाने के लिए ना, आप हमेशा फुल स्लीव्स के ब्लाउज बनवाइए डीप नेक के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो टिप नंबर 11 है कि आपको एक चीज़ हैवी रखना, या तो फिर आप ब्लाउज़ हैवी रखिए या तो आप साड़ी हैवी रखिए। अगर दोनों चीज़ आपने हैवी रख लिया है ना, तो आप उसमें सच में बहुत ज़्यादा मोटे लग सकते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी लग सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको, अगर आपकी साड़ी अगर प्लेन है तो आप हमेशा हैवी ब्लाउज़ सिलवाइए, और अगर आपकी ब्लाउज़ बहुत हैवी है ना, तो आप साड़ी प्लेन रखिए। इससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आएगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से शेप में दिखा सकते हैं। अगर आप ये टिप को फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टिप नंबर 12 है कि आपको ज्वेलरी पहननी है थोड़ा सा लंबा। अगर आप नेकलेस पहन रहे हैं ना, तो आप कभी भी चोकर सेट ना पहनिए। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, आप थोड़ा हैवी दिखते हैं, तो आप हमेशा ऑलवेज़ गो फॉर लॉन्ग नेकलेसेस। उससे आपकी कर्व्स बहुत ज़्यादा डिफाइन होते हैं, आपका नेक एरिया बहुत ज़्यादा डिफाइन होता है ना, और आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है, आपको थोड़ा सा लंबा लुक मिलता है और उसमें बहुत ज़्यादा आप स्लिम भी लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, थोड़ा सा पतली हो और थोड़ा सा लंबी हो नेकलेस आपका, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। टिप नंबर 13 है कि आप हमेशा स्लिंग बैग लीजिए या फिर आप क्लच ले सकते हैं। आपको बड़े बड़े बैग्स अवॉइड करने हैं साड़ियों के साथ। अगर आप थोड़ा सा हैवी दिखते हैं और आप साड़ी में ज़्यादा लंबे नहीं दिखते हैं, तो आपको बड़े बड़े बैग्स अवॉइड करने हैं। आप स्लिंग बैग ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक मिलेगा और आप उसमें थोड़ा सा स्मार्ट दिखेंगे, लंबे दिखेंगे और आप ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टिप नंबर 14 जो कि लास्ट टिप है बट नॉट द लीस्ट, तो आपको हमेशा स्ट्रेट हेयर रखने हैं। जैसे अभी मैंने रखे हैं स्ट्रेट हेयर, आप अगर आपके पास स्ट्रेटर नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप सैलून वगैरह में भी स्ट्रेट करा सकते हैं अपने बाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बाल स्ट्रेट दिखेंगे ना, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है और आप थोड़ा सा हेल्दी हैं, तो आप कभी भी कर्ली हेयर ना रखिए, बहुत ज़्यादा गंदा लुक आता है और आपको थोड़ा सा साड़ियों के साथ और भी छोटा दिखाता है और भी थोड़ा सा हेल्दी दिखाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा स्ट्रेट हेयर के साथ जाएं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे। तो ये थी मेरी टिप्स, 14 अमेजिंग टिप्स टू लुक टॉल एंड स्लिम इन साड़ीज़। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखती है ना, तो आप हमेशा साड़ी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगेंगी और पार्टी में ना सब लोग आपको नोटिस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।